नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नागपंचमी के लिए महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 12:10 पर खोले गए, जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनित गिरी महाराज के सानिध्य में भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन किया गया। रात करीब 12:40 पर आम भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। दर्शन का सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलेगा। मंगलवार रात 12 तक आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। महंत विनित गिरी महाराज ने जानकारी में बताया कि मंदिर के द्वार के पास स्थित नाग से ऊपर विराजित भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा तथा नागदेव का पूजन किया गया। मंदिर के द्वार के पास स्थित नागसैया पर विराजित भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा तथा नागदेव का पूजन किया गया। देश में एकमात्र स्थान महाकाल मंदिर है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। मान्यता है यहां दर्शन लाभ लेने वाले श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है। आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उज्जैन से हाकम सिंह कांकरेल की रिपोर्ट। आपको ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर का एक के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बनाई जाती है। उसी क्रम में आज भी नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए और श्रद्धालुओं के लिए आम दर्शन प्रारंभ किए गए। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसमें से एक पूजन हम लोग अभी करके आए हैं और अब दोपहर में 12 जो शासकीय पूजा होती है उस पूजा में पूजा की जाएगी और उसके पश्चात फिर संध्या आरती की जाएगी और उसके पश्चात फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोले। प्रतिमा को लेकर क्या आप प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रियों में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है और उसमें जब नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है, उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में सक्षम होता है।